नमस्कार, खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। भवानी मंडी में बड़े ही शान शौकत से मनाया हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन। जगह जगह जलसे का इस्तकबाल कर लोगों ने कायम की कौमी एकता की मिसाल। शुभ मुहूर्त में सैकड़ों जोड़े बंधे विवाह बंधन में, शादी के बाद कर रहे हैं देव दर्शन। भैसोदा गांव व गंगधार में भी मनाया हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, लोगों ने किया जगह जगह स्वागत। अब खबरों पर विस्तृत नजर। भैसोदा गांव में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन 12 वफात का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान गांव में जलसा निकाला गया जो इमाम चौक से शुरू हुआ और पोस्ट ऑफिस चौराहा, कुमार मोहल्ला, कन्या पाठशाला, पाटीदार मोहल्ला होते हुए इमाम चौक पहुंचकर समाप्त हुआ। इस दौरान जलसे का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं हिंदू मुस्लिम भाई द्वारा छबीले लगाकर कौमी एकता की मिसाल कायम की। वहीं दूसरी ओर झालावाड़ जिले के गंगधार, चौमेला और डग कस्बे में भी 12 वफात का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। मुस्लिम समाज ने इन कस्बों में सफेद लिबास पहनकर जुलूस निकाला, जिन्हें कस्बे वासियों ने बधाई दी। जुलूस में डीजे के साथ बच्चे व बैंड बाजे के साथ व घोड़े पर युवक सवार होकर निकले। बाजार में जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर बच्चे जमकर आतिशबाजी करते जा रहे थे। जुलूस का समापन गुफा शरीफ पर हुआ। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रही। भवानी मंडी में हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया। सदर नन्ना बारदान व जलसा कमेटी सदर राजीक अंसारी ने बताया कि सुबह 9 बजे जुलूस स्टेशन मार्ग स्थित जामा मस्जिद से शुरू हुआ और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए दोपहर 3:30 बजे मस्जिद पहुंचकर समाप्त हुआ। जुलूस में मदरसों के बच्चे नारे व तकरीर करते हुए चल रहे थे। जुलूस में आमदे रसूल मुबारक हो, मोहम्मद साहब का जन्मदिन मुबारक हो के नारे लगाते हुए लोग चल रहे थे। जुलूस में धर्म ध्वजा लिए हुए युवा व बच्चे नारे लगा रहे थे। जगह जगह जुलूस पर फूलों की बारिश की गई। पूरे जुलूस के दौरान जश्न का माहौल रहा। इसमें बुजुर्गों, युवाओं और मदरसों के बच्चों ने उत्साह से शिरकत की। जुलूस में हुजूर की शान में नाते पाक पढ़ी गई। जुलूस में कई जगह सांप्रदायिक सौहार्द भी देखने को मिला और सब धर्मों के लोगों ने फूल बरसाकर और गले मिलकर इस्तकबाल किया। अंत में जुलूस मस्जिद पहुंचने पर उलेमाओं ने हुजूर के जन्मदिन पर तकरीर पेश की और उनके बताए रास्तों पर चलने की नसीहत दी। देश में खुशहाली व अमन की दुआएं मांगी गई। पालिका अध्यक्ष पिंकी गुर्जर, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, उदय सिंह राजोरा, हाजी फखरुद्दीन ठेकेदार, समीर खान, प्रताप सिंह झाला, कांग्रेस नेता हरीश राठौर आदि ने स्वागत किया। जुलूस के दौरान डिप्टी वैभव शर्मा, थाना अधिकारी सुनील कुमार, ललित शर्मा आदि प्रशासनिक व्यवस्था बनाए हुए थे। अल्प विराम के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। शादी के बाद देव दर्शन किए, शुभ मुहूर्त में सैकड़ों जोड़े विवाह बंधन में बंधे। अब वैवाहिक जीवन के सफल संचालन व भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए दुल्हा दुल्हन के जोड़े गणेश जी, भैरू जी, कुल देवता, क्षेत्र के प्रसिद्ध दूधाखेड़ी माताजी मंदिर, बालाजी मंदिर आदि में ढोक लगा रहे हैं, जिससे इन मंदिरों में नव विवाहित जोड़ों की आवाजाही बनी हुई है। सैकड़ों जोड़े विवाह बंधन में बंधे नव विवाहित जोड़े जीवन में समृद्धि व खुशहाली की कामना को लेकर प्रथम पूज्य गणेश जी के दर्शनों के लिए सबसे पहले पहुंच रहे हैं। इसके बाद मान्यता के चलते दूधाखेड़ी माताजी, भैरू जी आदि के दर्शनों को जा रहे हैं। इन दिनों दूधाखेड़ी माता मंदिर पर माता का आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे नव विवाहित जोड़े दूर दूर से आ रहे हैं। क्षेत्र में दूधाखेड़ी स्थित केसरबाई माता व मिश्रोली अन्नपूर्णा माताजी की मान्यता बहुत अधिक है, जिससे शादी के बाद नवविवाहित जोड़े वैवाहिक जीवन शुरू करने से पूर्व गणेश दर्शन के बाद यहां दर्शनों के लिए आते हैं, जिससे यहां चहल पहल बनी हुई है।
नवविवाहित जोड़ों के परिजनों द्वारा मंदिर परिसर के बाहर भोजन बनाकर माताजी को भोग लगाया जाता है। भारतीय किसान संघ की बैठक शनिवार को भवानी मंडी कृषि उपज मंडी में संपन्न हुई। बैठक में राजगढ़ मध्यम सिंचाई परियोजना में डूब में आए लोगों को मुआवजा वितरण में अनियमितताएं बरते जाने पर चर्चा हुई। कृषि मंडी में इलेक्ट्रॉनिक्स तौल कांटा लगाए जाने के बाद 200 ग्राम जींस प्रति कट्टा अधिक ली जा रही है, जिससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बैठक में तहसील अध्यक्ष रोडूलाल गोविंद सिंह आदि मौजूद थे। आज की खबरों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। ललित को दीजिए इजाजत, नमस्कार।